हेलो एवरीबॉडी, गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल अवे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको लाइव विड्रॉ दिखाने वाला हूं। मैंने रिक्वेस्ट प्रोसेस किया था और मेरे पास कितने दिन में विड्रॉ आया, कौन सा बैंक मैंने यूज़ किया, या आप लोगों को कौन सा बैंक यूज़ करना चाहिए, क्या ये एप्लीकेशन रियल में विड्रॉ देती हैं, अगर देती हैं तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये विड्रॉ रुक जाता है, हमारा बैंक अकाउंट में प्रोसेस नहीं होता है। बिकॉज आई एम नॉट डिनाइंग दी स्टेटमेंट, ये मैं स्टेटमेंट को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आती हैं विड्रॉ के टाइम पे। दे आर सो मेनी प्रॉब्लम्स माइट बी यू आर फेसिंग, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या क्या वो प्रॉब्लम्स हैं, अगर बाइनरी ऑप्शन से पैसा कमाना चाहते हो और आपको विड्रॉ से रिलेटेड कोई भी इशू आता है ना, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ओलिमट्रेड की एप्लीकेशन जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। ये मेरा अकाउंट है, आप चेक कर पा रहे हैं, ये मेरा अकाउंट है और यहाँ पे अभी आपको मैं विड्रॉ की रिक्वेस्ट में जाके दिखाता हूँ कि क्या हुआ था, किस तरीके से विड्रॉ मैंने कब किया था, कितने दिन में मेरा विड्रॉ प्रोसेस हुआ। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही निपटाएंगे। इन शॉर्ट सारी बातें बताने की कोशिश करूँगा जितनी भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे पेमेंट हिस्ट्री में आप यहाँ पे बैंक का मैंने जो विड्रॉ लिया था वो डायरेक्टली मेरे वीज़ा कार्ड में लिया है, ठीक है। यानी कि मैंने वीज़ा कार्ड से ही डिपॉजिट किया था, ये मेथड मैंने यूज़ किया है। दे आर सो मेनी मेथड्स जहाँ से हम विड्रॉ ले सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे वीडियो में कि कौन सा मेथड अच्छा है डिपॉजिट के लिए, विड्रॉ के लिए, टाइमिंग के हिसाब से जल्दी विड्रॉ किस में आता है। तो यहाँ पे आप सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो चेक कर लीजिए, 11 तारीख 10वां महीना 2019, यानी 11 तारीख को मैंने यहाँ पे विड्रॉ रिक्वेस्ट प्रोसेस किया था, विड्रॉ डाला था। और अब देखते हैं कितने दिन में मेरे पास विड्रॉ आया। तो जाता हूँ सबसे पहले मैं मेरे मेल आईडी पे। तो मेल आईडी पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा रहा है सक्सेसफुली इन्होंने पेड कर दिया था, ओलिमट्रेड ने इन्होंने किया था 11 तारीख को 1:43 पे। मैंने जो विड्रॉ रिक्वेस्ट डाली थी ये वो डाली थी अराउंड 12 PM, यानी 1.5 घंटे में इनकी तरफ से कन्फर्मेशन आ गया मेरे पास कि हमने जो है भैया पैसा आपका डिपॉजिट कर दिया है आपके बैंक में, यानी हमने आपका पैसा भेज दिया है आपके बैंक में, अब जाके अपने बैंक से बात करो अगर आपका पैसा नहीं आता है तो। यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे हैं एक स्टेटमेंट इन्होंने क्लियरली लिखी है, वी हैव ट्रांसफर्ड मनी टू योर बैंक अकाउंट, द टाइम इट टेक्स टू क्रेडिट इन योर अकाउंट डिपेंड्स, वो बैंक पे डिपेंड करता है, बैंक का पेमेंट सिस्टम जो होगा ना उस पे डिपेंड करता है। नॉर्मली 2 या 5 के जो वर्किंग डेज होते हैं, मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम 5 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। अब क्यों नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है कि बैंक अकाउंट आपका रिजेक्ट कर देता है, द मेजर रीज़न बिहाइंड दैट, सबसे बड़ा रीज़न है उसके पीछे वो ये कि आपका, मतलब इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया मैंने कुछ रीजन्स, वो लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे। वो ये कि पहला कारण वो ये है कि आपका बैंक अकाउंट जो है, ज़रूर आपका जो बैंक है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को वैलिड करता होगा, लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपने इंटरनेशनल का ट्रांजैक्शन का जो एक ऑप्शन होता है वो ऑन नहीं किया होगा। उसके लिए क्या करना है, बैंक में जाना है और वहाँ पे एक फॉर्म आता है, सिंपली उसे फिल करके दे देना है। दूसरा कारण ये भी आता है, कई बार ये प्रॉब्लम भी आती है कि भैया आपका जो अकाउंट है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड है, बैंक भी इंटरनेशनल है, आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को वैलिड करता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि फर्स्ट टाइम जब आपकी पेमेंट आती है आउट ऑफ इंडिया से आपके अकाउंट में, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको बैंक में जाके एक रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ती है जिसमें आपको लिखना होता है कि मेरी पेमेंट आने वाली है या आएगी या आ चुकी है, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है कि पेमेंट कहाँ से आ रही है। जस्ट इसका एक नोट होता है छोटा सा, बिल्कुल 2 मिनट की प्रोसेस है, वो लेटर पे लिख के उन्हें दे दो, ये जस्ट अ फॉर्मेलिटी और कुछ नहीं। तो ये चीज़ अगर आप उन्हें दे देंगे तो नेक्स्ट टाइम से आपका विड्रॉ आराम से आने लग जाएगा। तीसरी चीज़, आप जो बैंक चूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऐसे चूज़ करो जहाँ पे आपका विड्रॉ 2 दिन में प्रोसेस हो जाता हो, क्योंकि ऐसे बैंक चूज़ करो जो इनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो। यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक्स जो कि खासा प्रभावित नहीं करते मुझे, खैर मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं गवर्नमेंट बैंक की सर्विसेज, क्योंकि थोड़ा विड्रॉ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। लास्ट टाइम में मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ मैं कौन सा बैंक यूज़ करता हूँ और जिसकी सर्विसेज मुझे काफ़ी हद तक पसंद है और विड्रॉ भी बहुत जल्दी आ जाता है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे विड्रॉ जो है पेड, मतलब ओलिमट्रेड ने मुझे मनी जो है पेड कर दिया था। और अब जाते हैं
मेरे बैंक अकाउंट पे कि क्या ऐसा, मतलब बैंक पे जाके देखते हैं कि कितने दिन में मेरे पास वो विड्रॉ प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पे देखिए 11 तारीख को 12:43 पे मेरे पास मेल आया था जिसमें कहा था ओलिम ट्रेड ने कि भैया हमने आपका पैसा बैंक अकाउंट में भेज दिया है। अब ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 13 तारीख को एक मेरे पास 678 रुपीज़ क्रेडिट हुए मेरे अकाउंट में, जहाँ पर लिखा हुआ है वीज़ा रिफंड और सम वॉलफर्ट करके कोई एक पेमेंट गेटवे है शायद, तो यहाँ से मेरे पास ये आया है पेमेंट। अब बात आता है ये जो पेमेंट आया है, अब यहाँ से इस पेमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने $10 का विड्रॉ लिया था। उस पर्टिकुलर टाइम पे 69 point something रेट चल रहा था करेंसी का जब मैंने विड्रॉ डाला था, प्रोसेस किया था 69 something, चलो 70 मान के चलते हैं, तो 70 के हिसाब से 700 रुपीज़ बनते हैं। 700 रुपीज़ में यहाँ पे मेरे कितने रुपीज़ कट हुए, यानी 22 रुपीज़ यहाँ पे टैक्स लगा, जो कि मिनिमम इतना टैक्स तो लगता ही है। अगर आप जो कहते हैं लीगलिटी की बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं ये चीज़ें लीगल है या नहीं, तो भाई इसी चीज़ें के लिए जो कहते हैं भाई टैक्स कहाँ जाता है, कहाँ से हमारा टैक्स कटता है, अगर बाहर से पैसा आता है तो यहाँ कटता है भाई टैक्स, ठीक है, उन लोगों के लिए ये आंसर है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये विड्रॉ जो आया है मेरा जस्ट 2 days, यानी 48 आवर्स से भी कम में टाइम में आया है, यानी 13 को विड्रॉ आया है जबकि मैंने डाला था 12 बजे के आसपास, तो 11 तारीख को डाला था, 2 दिन में विड्रॉ आ गया। और ये जो मॉर्निंग में ही मेरे ख्याल से आ गया था, मैंने चेक नहीं किया था, बट मॉर्निंग के आसपास ही मेरे पास विड्रॉ आ गया था, डिपॉजिट आ गया था मेरे अकाउंट में। तो ये आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी सर्विसेज है, ठीक है। तो आप भी ऐसे बैंक को चूज़ करो, देयर आर सो मेनी बैंक्स, मैं यहाँ पे किस किस के नाम लूँ, बहुत अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन अब पर्सनली मैं बात करूँ कि मैं कौन सा बैंक अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक का सेविंग अकाउंट, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है सर्विसेज़ में, मुझे खासा कि जैसे ICICI की सर्विसेज़ पसंद है, HDFC की सर्विसेज़ पसंद है, एक्सिस की सर्विसेज़ पसंद है, और इस बैंक की सर्विसेज़ पसंद है, इंडस जो बैंक है उसकी भी अच्छी सर्विसेज़ है, IDBI की भी अच्छी सर्विसेज़ हैं, बट रेस्ट ऑफ दी बैंक्स अगर इन सबको छोड़ दो तो मुझे उनकी सर्विसेज़ पसंद नहीं है। 5 दिन लगाते हैं विड्रॉ में, 10 दिन लगाते हैं, कभी कभार महीना भी लग जाता है। वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी भाई कौन सा बैंक अच्छा है, तो बैंक का नाम मैंने आपको बता दिए लिस्टेड के साथ, लिस्ट के साथ। दूसरी चीज़ मेथड कौन सा अच्छा है विड्रॉ के लिए, तो भैया आप स्क्रिल यूज़ कर सकते हैं, आप मास्टर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर पर्सनली सजेस्ट करूँ तो भाई वीज़ा कार्ड और स्क्रिल अच्छा है आपके पास। नेटलर भी यूज़ कर सकते हो, ग्लोबल पे भी यूज़ करते हो, दे आर सो मेनी ऑप्शंस आपके पास जो अवेलेबल है। लेकिन यार इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी आप मेथड यूज़ करो डिपॉजिट के लिए, सेम मेथड यूज़ करो विड्रॉ के लिए। तो यहाँ से जो पैसा है, कोई कहता है भाई नहीं आया नहीं आएगा, तो भाई यहाँ से पैसा आपको ज़रूर आना है, ये बात अलग है। टाइम कितना लगेगा, वो टाइम आपका डिपेंड करेगा बैंक्स के ऊपर, वो टाइम आपका डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि भाई आपका ओलिम ट्रेड ने टाइम लगा दिया ना, ओलिम ट्रेड आपके जो बैंक में पैसा बहुत जल्दी विड्रॉ कर मतलब डाल देता है, डिपॉजिट कर देता है, प्रॉब्लम आती है आपके बैंक की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट विड्रॉ इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये जो बैंक है, यानी ये जो नया अकाउंट खोला था मैंने, तो इसमें मेरे को चेक करना था कि विड्रॉ कितने दिन में प्रोसेस होता है। यहाँ पे छोटा अमाउंट मैंने इसीलिए लिया, और मैं भी सजेस्ट आपको यही करूँगा कि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके पास विड्रॉ आना है या नहीं आना। तो मेरी एक सजेशन है, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर मानना, वो ये कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक अकाउंट बनाओ अपना ओलिम ट्रेड पे, वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्ट करो $10, नॉट मोर देन $10, बिकॉज मिनिमम हम इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। $10 इन्वेस्ट करो, उसके बाद $10 को उनमें से $1 की ट्रेड लो आप, ओनली $1 की ट्रेड लेने के बाद अगर वो हारो चाहे जीतो डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, आप तुरंत आपको उसको विड्रॉ लगा दो, आपके जिस मेथड से आपने लिया था उस मेथड से ही आप उसे विड्रॉ लगा दो, और चेक करो कि विड्रॉ कितने दिन में आता है, अगर आता है या नहीं आता, बैंक की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है विड्रॉ में, वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो चेक करो कि यार प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अगर आप कई बार क्या होता है, लोग $1,000 इन्वेस्ट कर देते हैं, $500 इन्वेस्ट कर देते हैं, $100 इन्वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते, $100 इन्वेस्ट कर देते हैं, विड्रॉ उन्होंने कभी नहीं लिया होता, बस दो लोगों की इधर उधर सुन के $100 इन्वेस्ट कर दिए, बट ये नहीं पता भाई कि विड्रॉ कब और कैसे आएगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को लीगलिटी पे भी इश्यू रहता है इन सारी चीज़ों को कि भाई ये लीगल है या नहीं, यहाँ से पैसा आता है या नहीं आता। तो भाई मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया, सिर्फ 2 दिन के अंदर 48 आवर्स से भी कम टाइम के अंदर आपके पास विड्रॉ आ जाएगा, लेकिन वर्किंग डेज होने चाहिए गाइज, ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको चीज़ें, ये वर्किंग डेज होने चाहिए, 2 वर्किंग डेज
ऐसा नहीं कि आपको हॉलीडे, बैंक हॉलीडे उस दिन हुआ तो फिर वो दो के जगह तीन दिन में प्रोसेस होगा, मतलब टू वर्किंग डेज में आपका प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात लीगलिटी की नहीं आती है, जितनी भी चीज़ें आप सोचते हो उस चीज़ की नहीं आती, मतलब बात यहाँ पे फंसती है आपका मेथड जो आप चूज़ करते हो, बात करते हैं डिपॉजिट की, विड्रॉ की, या बात करते हैं आप क्या तरीका यूज़ करते हो चीज़ों के लिए। आप अगर बिल्कुल सही तरीके से जाओगे तो एप्लीकेशन वाले आपको नहीं रोकेंगे किसी भी चीज़ में, ठीक है। कितना भी बड़ा विड्रॉल हो, कितना भी छोटा लो, डजेंट मैटर, आपके दो दिन में आपके पास अकाउंट में आ जाएगा। ये लोग तो जल्दी से प्रोसेस कर देते हैं, अटकता पैसा आपका बैंक में है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही करना है जो मैंने समझाया, कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन और रिगार्डिंग योर मेथड, पेमेंट मेथड, $10 इन्वेस्ट करो, एक ट्रेड लो, हारो या जीतो डजेंट मैटर, आप उसका फिर विड्रॉ ले लो जितना भी अमाउंट आपके पास बचता है। विड्रॉ लेने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कितने दिन में प्रोसेस होगा, उसके बाद आप बड़ा इन्वेस्टमेंट ले लो जितना आप चाहो। एटलीस्ट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रेज होगा कि यहां से मेरे पास पैसा इतने दिन में आया तो आने वाले टाइम में भी आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस जो होगा ना, उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है के अंदर, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस के चलते आप बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, आपके अंदर होगा कि भाई यहां से मैं, चलो मैंने इतना इन्वेस्ट तो कर दिया बट यहां से मुझे रिटर्न क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा या मिलेगा, वो चीज का जो इश्यू रहता है ना, दैट उसके लिए आपका जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। उससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ट्रेडिंग भी नहीं हो पाती है, इमोशनल साइकोलॉजिकल बहुत सारे इश्यू होते हैं, माइंड आपका डाइवर्ट रहता है और उसी के चलते ना आप बहुत हारने भी लग जाते हो। सिंपल सी बात है भाई, विड्रॉ ज़रूर आना है यहाँ से। कोई भी रिगार्डिंग इश्यू आता है ना विड्रॉ से रिगार्डिंग, तो भाई आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। लेकिन पहले आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूं, मेरे को लगता है यार इस वीडियो से आपकी काफ़ी मदद मिल गई होगी विड्रॉ से रिलेटेड। आपके बहुत डाउट होंगे विड्रॉ मिलता है या नहीं मिलता, हालांकि मैं बहुत बड़े बड़े विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। $850 का भी मैंने विड्रॉ करके दिखाया हुआ है, वो भी चैनल पर डाला था, वो IQ ऑप्शन से था, ये OlympTrade से है। तो इसीलिए आने वाले टाइम में और ही बड़े बड़े विड्रॉ, लेकिन सब चीज़ों के पहले एक सिक्योरिटी ज़रूरी है। सिक्योरिटी से पहले अब मैंने यहाँ पे $10 का इसीलिए लिया क्योंकि मेरे को पहले श्योर होना था कि मेरे अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा, अदरवाइज मैं बड़ा विड्रॉ भी डाल सकता हूँ, डजेंट मैटर, ठीक है। तो हर एक चीज़ को ट्राई करने से पहले, यानी आप किसी भी चीज़ में जाओ ना, तो उसमें पहले आपको अश्योर होना चाहिए कि भाई मैं जा तो रहा हूँ लेकिन इससे मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें। चलिए गाइस, यार अगर अभी तक ना वीडियो को देख रहे हो ना, तो यार वेलकम है हमारी टेक्निकल अभी फैमिली में। जाओ यार टेलीग्राम पे, सर्च करो टेक्निकल अभी फैमिली और अभी ज्वाइन हो जाओ, या फिर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। क्यों? क्योंकि यार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पर आपको, अगर यहाँ से रियल में पैसा कमाना चाहते हो ना, इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ ऐसा जिससे आपको बिल्डअप, आपको इंकरेजमेंट मिले, कॉन्फिडेंस मिले, या फिर आपका मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, तो ये सारी चीज़ों के लिए ना ज्वाइन हो जाओ। फ्री ट्रेडिंग भी चलती है वहाँ पे यार रोज, ठीक है। बाकी यार चैनल पे बिल्कुल नए हो ना तो यार अभी सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे लगता है एक लाइक तो आपने डेफिनेटली कर दिया होगा, और बिल्कुल नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाओगे, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे भी बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। चलिए गाइस, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी आपको।